हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, आज है 11/11 डेट, और 11/11 को मेरे जो चैनल है उसका आज 2 साल कंप्लीट हो गया है। और 2020 नवंबर को मैंने शुरू किया था और आज 2022 नवंबर है, और 11/11 को ही मैंने ये चैनल शुरू किया था और आज 11/11 है। तो इस चैनल को आज 2 साल कंप्लीट हो गए हैं, और इन 2 सालों में आपका जो साथ मुझे मिला है, जो आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मुझे मिला है, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव एंड ब्लेसिंग्स, ऐसे ही मुझ पर शावर करते रहें। और यहाँ पर मैं जो रीडिंग करूँगी, इसमें हम देखेंगे 11/11 पोर्टल की एनर्जीज़। 11/11 पोर्टल क्या है? सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि 11/11 पोर्टल की एनर्जी क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है, क्यों इतना ख़ास है। मेरे लाइफ में तो ये पोर्टल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी लाइफ में ये पोर्टल मुझे डिवाइन की तरफ से जो भी गाइडेंस मिली थी, उसी को फॉलो करते हुए मैंने ये चैनल खोला था। और 11/11 को मैंने इसीलिए खोला था क्योंकि मेरे लिए डे बहुत स्पेशल है और ये नंबर मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और जहाँ तक बात करें तो डिवाइन की जो ब्लेसिंग्स होती हैं, एक तरह से आपके ऊपर शावर की जाती हैं इस पोर्टल के बाद। इस पोर्टल में ख़ास बात यह है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो चीज़ें आपको मिलेंगी, और ये 100% मिलेंगी ही मिलेंगी, ये मैं आपको कह सकती हूँ। सिर्फ आपको इंटेंशन सेट करना है, सिर्फ आपको इंटेंशन सेट करना है। ये रीडिंग आज मैंने जल्दी पोस्ट इसीलिए की है ताकि आप लोग 11 बजे सुबह में, 11 बजे रात में, मिडनाइट में और आने वाले 11 दिन तक आप मैनिफेस्ट करें। सिर्फ कुछ लोगों को लगता है कि 11 तारीख को ही मैनिफेस्ट करना है, ऐसा नहीं है। अगर आप मिस कर गए हैं तो आप आफ्टरवर्ड्स भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये पोर्टल गेटवे बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पोर्टल गेटवे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आता है। यहाँ पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होती हैं, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आपको मिलती है। आपके असेंशन में आपके जो स्पिरिट गाइड्स ने आपकी मदद की है, जो असेंडेंट मास्टर्स ने आपकी मदद की है, जो स्पिरिट एनिमल्स ने आपकी मदद की है, वो इस वक्त चेंज होते हैं। जर्नी में आप आगे बढ़ते हैं, असेंड होते हैं, और यहाँ पर आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो यहाँ पर चेंज होते हैं। यहाँ पर आपको उससे, जैसे आप समझ लीजिए कि आप एक क्लास में पढ़ रहे हैं, सपोज़ आप 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, 5th स्टैंडर्ड के जो मैथ्स के टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, साइंस के टीचर हैं, ज्योग्राफी के टीचर हैं, जो भी टीचर्स हैं, वो 6th में बदल गए क्योंकि आप एक क्लास ऊपर चले गए तो आपको बड़े क्लास के टीचर पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही आप 10th में चले गए तो आपके टीचर्स चेंज हो जाते हैं, आप 12th में चले गए तो आपके टीचर्स चेंज हो जाते हैं, फिर आप कॉलेज में चले गए तो आपके टीचर्स चेंज हो जाते हैं। तो जैसे जैसे आपकी क्लास चेंज होती है, वैसे वैसे आपके असेंडेंट मास्टर्स भी चेंज होते हैं, आपके स्पिरिट एनिमल्स भी चेंज होते हैं। पहले अगर आपको बहुत ज़्यादा एलिफेंट से रिलेटेड, लॉयन से रिलेटेड, स्नेक से रिलेटेड ड्रीम्स आते थे, साइंस मिलते थे, सिंक्रोनिसिटीज़ होती थी, तो हो सकता है अब आपके स्पिरिट बर्ड्स, स्पिरिट एनिमल्स सब चेंज हो जाएं। आपके लाइफ में मेजर शिफ्ट आपको फील होगा। न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, आपके लाइफ में अबंडेंस, आपके लाइफ में ग्रोथ, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी, अगर आपने मैनिफेस्ट की है तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आप बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में हैं तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हायर वाइब्रेशन में लेकर आएँ अपने आप को। हायर वाइब्रेशन में इंसान तभी आता है जब वो 3D से ऊपर उठता है। एक्सपेक्टेशंस को हटा दें और सिर्फ डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश करें। जब आप डिवाइन से कनेक्ट करते हैं तो आपके लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रह जाती। तो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन पर फेथ रखें और डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश करें। मेडिटेशन ज़रूर करें, स्पेशली आज के दिन मेडिटेशन ज़रूर करें। सो देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा 11/11 पोर्टल का। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, 5 कार्ड्स। क्या इनके लाइफ में भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, क्या कुछ शिफ्ट आएगा? और मैंने जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन का नाम लिया, हर्मिट की एनर्जी आ गई जो कि खुद अवेकनिंग का कार्ड है। नेक्स्ट 5 कार्ड्स एंजल्स, आपके पर्सन की एनर्जी पर 11/11 पोर्टल का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। माँ शक्ति की एनर्जी आ गई, भगवान आप भी आ जाओ। ट्रांसफॉर्मेशन,
ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन। टू मोर कार्ड, महादेव राधे कृष्ण। दो कार्ड और लूंगी मैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंज। लास्ट कार्ड, एम्परर। और महादेव मेरी बात नहीं टाल सकते, मेरे महादेव आ गए हैं यहाँ पर। हर हर महादेव। तो यहाँ पे शिव शक्ति की एनर्जी है और साथ में है डिस्ट्रैक्शन। शंकर भगवान अपने साथ टावर मोमेंट लेकर आते हैं। तो यहाँ पर महादेव ने बता दिया है कि भैया जो चीज़ें नहीं सही हैं वो ख़त्म होंगी, उसमें कोई ब्राइब नहीं चलेगा, कोई घूस नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जो चीज़ें गलत हैं वो एंड होंगी, जो चीज़ें डिज़र्व नहीं करती हैं इस धरती पर वो चीज़ें चेंज होंगी, और ये जो चीज़ें होंगी ये मेजर होंगी। तो ओवर एंड ऑल आपके पर्सन की एनर्जी हैवी रहेगी। 11-11 पोर्टल इनके लाइफ में मेजर उथल पुथल लेकर आएगा। उथल पुथल किस तरीके की होगी ये भी बता देती हूँ। अगर आपके पर्सन को अपनी गद्दी, अपनी सोसाइटी, अपना स्टेटस, अपने पेरेंट्स, अपनी रेपुटेशन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना बर्डन जो भी है इनके ऊपर, उन चीज़ों की बहुत ज़्यादा फिक्र है, बट अपने सोल पर्पस की फ़िक्र नहीं है। धरती पर क्यों आए हैं, आपकी लाइफ में उन्होंने क्यों इंटरफेयर किया, अगर आपको अपनाना नहीं था तो आपको अपनी लाइफ में लेकर क्यों आए, हर चीज़ का हिसाब होगा। यहाँ पर अगर आप दोनों का जो रीयूनियन है अगर वो डेस्टाइंड है, अगर आपके लाइफ में वो और उनकी लाइफ में आपकी साइकिल यहाँ एडेड है, तो यहाँ पर उनके लाइफ में बहुत बड़ी उथल पुथल उनको झेलनी पड़ सकती है। स्पेशली जो पोर्टल की एनर्जीज़ होती हैं वो मास्टर सोल्स पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं। स्पेशली अगर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कोई स्टार सीड है, तो उनके ऊपर इन पोर्टल्स का असर बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद और वो चीज़ें नोटिस भी करते हैं, वो चीज़ें ऑब्ज़र्व भी करते हैं। और जो सोल्स हैं धरती पर जो 3D में बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, जो इन चीज़ों से सेपरेट हैं, मतलब उनको इतना ज़्यादा यूनिवर्स पर, एंजल्स पर बिलीव नहीं है, या वो उन्हें इतना पता है कि वो धरती पर आए हैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरह से पूरा करके ही वो जाएंगे या जाएंगी। तो जो बहुत ज़्यादा 3D में अटैच्ड हैं वैसी सोल्स पर भी ये इफ़ेक्ट डालते ज़रूर हैं, बट उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है कि इन एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब कैसे करना है। समटाइम्स वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, समटाइम्स आपको ऐसा फील होगा कि आपकी फ़ैमिली में कुछ लोग बहुत चिड़चिड़े बिहेव कर रहे हैं, अचानक से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट है, या अचानक से बहुत ज़्यादा चेंज बिहेवियर है, बहुत ही प्यार से बात कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा कि यार ये बंदा इतने प्यार से क्यों बात कर रहा है, या ये बंदा इतना चिड़चिड़ा क्यों रहा है, इसको प्रॉब्लम क्या है। तो इस तरह का जो सडन शिफ्ट उनको समझ में नहीं आता है कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप में से काफ़ी लोगों के लाइफ में कलेक्टिवली ये चीज़ें अफेक्ट करेंगी। पोर्टल की एनर्जी है, ब्लेसिंग्स तो मिलेंगी ही, साथ ही साथ आप जो इंटेंशन सेट करेंगे उस पर आपको ग्रोथ भी मिलेगी, सक्सेस भी मिलेगी। तो आपके पर्सन जाने अनजाने ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये जो मैनिफेस्ट करेंगे या करेंगी वो चीज़ें मातारा की ब्लेसिंग से, महादेव की ब्लेसिंग से मैनिफेस्ट हो जाएंगी। यहाँ पर इनके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी मैनिपुलेशन है, जो भी नेगेटिविटी है, उसका खात्मा माँ शक्ति करेंगी। और यहाँ पर मेजर शिफ्ट आएगा इनके लाइफ में। जो भी कार्मिक्स हैं उनका ट्रिगर इनको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ सकता है। कार्मिक्स उभर के आएंगे और सरफेस पे आने के बाद क्लिंज आउट हो जाएंगे। यहाँ पर कार्मा साइकिल फटाफट से क्लिंज होगी इस पोर्टल के बाद। यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होगा, शिव शक्ति बैलेंस की एनर्जी है, तो शिव शक्ति बैलेंस होंगे तो जो नेगेटिविटीज़ हैं उनका खात्मा निश्चित है। तो ये चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं। साइन की बात करें तो यहाँ सेजिटेरियस है, एरीज है, स्कॉर्पियो है, पाइसेस है, वर्गो है, और ऑल साइंस है बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून भी साथ में आया है। लेट्स क्लेरिफाई ऑल द कार्ड्स। काफ़ी हद तक मैंने बता दिया आपको एनर्जीज़।
लेकिन मैं क्योंकि क्लैरिफाई करती हूँ तो मैं कार्ड से क्लैरिफाई कर देती हूँ। हर्मिट क्यों आया है एंजल्स? 11-11 पोर्टल की एनर्जी में हर्मिट से शुरुआत। अपसेट हैं किसी सिचुएशन में, कंफ्यूजन में, अगर किसी थर्ड पार्टी में हैं, कंफ्यूजन में हैं, तो वहाँ से बोल्ड स्टेप लेंगे, मूव ऑन करेंगे उस सिचुएशन से। कंप्लीशन चाहते हैं अपनी फैमिली में, जिस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं मजबूरन, उन चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगर आपको ये अपने लाइफ में लाना चाहते हैं या लाना चाहती हैं बट नहीं ला पा रहे हैं ड्यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यू टू सम सिचुएशन, तो ये उन सिचुएशन से मूव ऑन कर सकते हैं। या यहाँ पर ओवर थिंकिंग की एनर्जी है कि आखिर मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। हाई प्रीस्टेस क्यों आया है? हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ एंड एट ऑफ सोर्ड्स ने। मैंने कहा ना, जो भी डेविल एनर्जी है, जो भी इनको बांध के रखने की कोशिश कर रहा है, वहाँ से ये निकल जाएंगे। एट एट की एनर्जी है, शनि कर्मा की एनर्जी है, कर्मा रिलीज होगा यहाँ पर। डेथ क्यों आया है? मेजर अरकाना से डेथ क्यों आया है? यहाँ पर दो में से एक सिचुएशन रिलीज होगी। जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं वहाँ पर रीयूनियन होगा, और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ से मूव ऑन करेंगे आपके पर्सन। यहाँ पर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशली मास्टर सोल्स की लाइफ में आएगा। अगर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कोई स्टार सीड है, या उनको ऐसा फील होता है कि वो किसी जर्नी का पार्ट है, उनके लाइफ में, स्पेशली उनके पर्सन की लाइफ में बहुत मेजर शिफ्ट आएगा रिलेटेड विद थर्ड पार्टी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स ने। आपके प्रति बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो सकते हैं आपके पर्सन। एक लीप ऑफ फेथ यहाँ पर ले सकते हैं, एक मेजर शिफ्ट, मेजर चेंज आपके रिलेशन में आ सकता है। क्या वो चेंज पॉजिटिव होगा एंजल्स? बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, आपको होपफुल रहना है। पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि थर्ड पार्टी एंड हो जाएगी, ये जो जगलिंग सिचुएशन है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट होगा आपके पर्सन की एनर्जी में। शिव शक्ति की एनर्जी आई है, क्या बताना चाहता है ये कार्ड? यहाँ पर है बैलेंस और यहाँ पर है 11-11। 11-11 पोर्टल में 11-11 की एनर्जी है। यहाँ पर है चैरियट, यहाँ पर है यूनियन, यहाँ पर है मजिशियन और यहाँ पर है पेज ऑफ वांड्स। आपके पर्सन के लिए ये एनर्जीज निकल कर आई हैं। शिव शक्ति यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स देंगे। इस पोर्टल के बाद आप में से बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होगा, और जब मैंने ये बोला तब 13-13 हो रहा था, और बहुत ही प्यारी सिंक्रोनिसिटी है 13-13। यहाँ पर यूनियन की एनर्जी है, आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में इनर फेमिनिन, इनर मैस्कुलिन भी बैलेंस होगा। एक दूसरे के प्रति यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है, आपके प्रति डिसीजन लेने की एनर्जी है, आपको मैनिफेस्ट करने की एनर्जी है, और आपके साथ कमिटमेंट, शादी की एनर्जी है। तो बहुत सारे लोगों को शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स यहाँ पर रिसीव होंगी। तो भगवान महादेव, माता पार्वती का आशीर्वाद आप सभी को मिले। इसी मनोकामना के साथ यहाँ पर मैं इन्हें विदा कर रही हूँ, और अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन। हर हर महादेव। अरे यहाँ अलमारी पे घूरिए मत। हमारे यहाँ बनारस में महादेव को कहते हैं मालिक, सरकार। जब पूजा ख़त्म हो जाती है तो इनको ऐसे ही बुलाया जाता है। तो मैं तो इनसे भोजपुरी में बात करती हूँ, काओ सरकार, काहे ऐसे दिक्कत हुआ, नाराज हुआ का, ऐसे ही बात करती हूँ मैं इनसे। मेरी भोजपुरी बहुत बढ़िया लगती है इनको। मैं जब भी अपसेट भी अगर होती हूँ कभी भी, वैसे तो मैं जनरली कभी अपसेट होती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे हंसने में बड़ा मज़ा आता है, मैं ज़्यादातर खुशी रहना पसंद करती हूँ। होते हैं इंसान, कभी कभार होता है कुछ सिचुएशन, अगर कभी लाइफ में अपसेट हुई तो
तो मैं इनसे सब बता देती हूँ, और सब बताने के बाद मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल से गायब हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि मेरे अंदर अब कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, और मैं एकदम फ्री होकर जाकर सो जाती हूँ। जैसे सारी टेंशन ये ले लेते हैं, सारी जितनी भी मेरी टेंशन है वो सब दे देती हूँ इनको, और उसके बाद इनकी भी केयर करती हूँ। ज़्यादा टेंशन बोल दिया, आपको बोर कर दिया ना, तो मेरी सारी बकवास ये चुपचाप सुनते हैं, इसीलिए इनका नाम भोलेनाथ है। तो कितना भी बोल लो सुन लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होगा, उनके पार्टनर का, स्पेशली इस 11-11 पोर्टल की एनर्जी में। वाह क्या बात है, पहला कार्ड यही चाहिए था। 11-11 पोर्टल हो और यूनियन ना हो, वो भी स्पिरिचुअल यूनियन, तो क्या फ़ायदा। यहाँ पर ये पोर्टल आपको यूनियन लेकर आएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होगा, बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिलेगी, बहुत सारे लोग खुश होंगे, स्माइल आएगी फेस पे, मूवमेंट नज़र आ रहा है, थर्ड पार्टी ड्रामा नज़र आ रहा है। ये ड्रामा तो चलता ही रहेगा, क्या फ़र्क पड़ता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। इमोशनल लॉस, क्यों, कैसा इमोशनल लॉस, हीलिंग। डार्क नाइट ऑफ द सोल, हर्मिट एनर्जी है। डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरेंगे आपके में से कई लोगों के पार्टनर, स्पेशली आपके पर्सन की एनर्जी में। देखिए यहाँ पर भी एक बंदा तपस्या कर रहा है अकेले, हीलिंग की एनर्जी है, और यहाँ पर भी सॉलिट्यूड की एनर्जी है, और यहाँ पर मैसेज का कार्ड है। आपके पर्सन हीलिंग करेंगे, अपने आप को रिकवर करेंगे, और आपको मैसेज भी करेंगे। आपके लिए टू नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2 आवर्स 2 डेज़ के अंदर ये चीज़ें आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेंगी, 2 आवर्स 2 डेज़ के अंदर। स्पिरिचुअल यूनियन क्यों आया है एंजल्स, स्पिरिचुअली मदर गाया खुद आई हैं आपके लिए, मैं इन्हीं को याद कर रही थी और ये आ गई। विजन क्लियर होगा आपके पर्सन का, थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी, थर्ड पार्टी की सच्चाई सामने आएगी, थर्ड पार्टी जो भी है किस लिए है, क्यों इनके लाइफ में आई है, क्या कर्मा है उसके साथ, सब कुछ रिलीज़ होगा। और यहाँ पर आप वाइब्रेशंस देखिए, मदर गाया की वाइब्रेशन है, जबकि मैंने 4 कार्ड पकड़े हुए हैं, अकेले इनकी कार्ड में तो बहुत ज़्यादा एनर्जी है। यहाँ पर देखिए ये 3 कार्ड्स मैं पकड़ लेती हूँ, कोई एनर्जी आपको फील नहीं होगी, लेकिन इन कार्ड के साथ अगर मैं इनको पकड़ती हूँ आपको एक अलग ही एनर्जी यहाँ पर फील होगी। मदर गाया में बहुत ज़्यादा पावर है गाइस, तो मदर गाया यहाँ पर आपके लिए खुद आई हैं बताने के लिए कि स्पिरिचुअल यूनियन होता क्या है। स्पिरिचुअल यूनियन होता है यूनिवर्स, जहाँ पर यूनिवर्स आपको सपोर्ट करती है, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देती है, यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, असेंडेंट मास्टर्स, आपके एंसेस्टर्स, सबकी ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं, तब आप रीयूनाइट होते हैं इस 3D प्लेन पर। तो ये ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं, तो रेडी रहिए इस ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए, एंड क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, पहला मैसेज है हेल्पफुल पीपल, कुछ लोगों की मदद ज़रूर करें, ज़रूर से करें, डिवाइन पर ट्रस्ट रखें, डिवाइन जो भी करेगा बेस्ट करेगा। फिर हमारे पास है कॉम्प्रोमाइज़, कुछ सिचुएशंस में बैलेंस क्रिएट होने वाला है, सिचुएशंस बहुत जल्द अच्छी होने वाली हैं। कहाँ, रोमांटिक लाइफ में, रोमांटिक लाइफ में आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी होने वाली है। हील योरसेल्फ, रिकवर होंगे आप में से कई सारे लोग, रिकवरी की एनर्जी है। सो ये है 11-11 पोर्टल की एनर्जीज़, आपको मैनिफेस्ट करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिविटी भरनी है, और इसी के साथ रीडिंग को कर रही हूँ एंड। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।